और अगर अल्लाह लोगों की बुराई में जल्दी करता जिस तरह वो तलब खैर में जल्दी करते ही, तो उनकी उम्र की मियाद पूरी हो चुकी होती। सो जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं, उन्हें हम छोड़े रखते हैं कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ के पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं। और तुमसे पहले हम कई उम्मतों को जब उन्होंने जुल्म किया हलाक कर चुकी हैं, और उनके पास पैगंबर खुली निशानियां लेकर आए मगर वो ऐसे न थे कि ईमान लाते। हम गुनहगारों को इसी तरह बदला दिया करते हैं। फिर हमने उनके बाद तुम लोगों को मुल्क में खलीफा बनाया ताकि देखें कि तुम कैसे काम करते हो। और जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं, तो जिन लोगों को हमसे मिलने की उम्मीद नहीं, वो कहते हैं कि या तो इसके सिवा कोई और कुरान बना लाओ या इसको बदल दो। कह दो कि मुझको इख्तियार नहीं है कि इसे अपनी तरफ से बदल दूं, मैं तो उसी हुक्म का ताबे हूं जो मेरी तरफ आता है। अगर मैं अपने परवरदिगार की नाफरमानी करूं तो मुझे बड़े सख्त दिन के अजाब से खौफ आता है।